हाय एवरीवन, मैं हूं और आप देख रहे हैं हर जिंदगी। इस वीडियो में हम जाने वाले हैं श्रीलंका के कुछ ब्यूटीफुल बीचेस की तरफ। अगर आपने अभी तक हर जिंदगी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, बिकॉज मैं ऐसे ही ब्यूटीफुल ट्रैवल वीडियोस के साथ आती रहूंगी। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस ना करें। तो सबसे पहले शुरू करते हैं साउथ की हैपनिंग बीच के साथ। एंड दिस इज उनुवाटुनु बीच। ये बीच मेजर साउथ सिटी के पास सिचुएटेड है। एंड सो इसलिए कैफे ऑप्शंस बहुत है एक्सप्लोर करने के लिए। एंड यू कैन गो फॉर बोटिंग, यू कैन गो फॉर वेव वॉचिंग। ये बीच सनसेट व्यू के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। इसके बाद लेट्स एक्सप्लोर द बेस्ट सनराइज बीच। एंड दिस इज द फेमस दाला विला बीच, जहाँ पे अभी भी ट्रेडिशनल वे में फिशिंग होती है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। He's sitting on a stick and then doing the fishing work. Next is Dada Villa Beach पे swing बहुत famous है। तो इस पेड़ पे basically they put a swing and you can take that Instagrammable photo. Next beach is a hidden beach and उसके लिए आपको करना होगा छोटा सा hike। जहाँ जंगल आ जाता है वहाँ hike आ जाती है। जंगल beach पहुँचने के लिए आपको करनी होगी 10-15 मिनट की हाइक, क्योंकि गाड़ी एक ही पॉइंट तक पार्क होती है। मॉर्निंग स्पेशली यहाँ की बहुत प्लेजेंट सी है, सो दैट इज़ आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप ऐसे टाइम पे आओ तो थोड़ा आप हाइक भी कर पाते हो। अदरवाइज दोपहर के टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी एंड ह्यूमिडिटी हो जाती है लाइक एनी अदर प्लेस। साउथ के मेजर बीच कवर करने के बाद अब टाइम आ गया है मेन गोल सिटी को एक्सप्लोर करने का। And we are at Gaul Lighthouse, the most famous place in Gaul near the fort area. And the whole place is like covered in this white colored and the Dutch and Portuguese type of creation. Basically, Gaul Lighthouse बनाया गया था 1848 में by the Britishers जब वो श्रीलंका को rule कर रहे थे। उसके बाद में इसको पूरा reform किया गया था। तो अभी जो आप lighthouse देख रहे हो That was built in 1938 and इस पूरी जगह की vibes आपको fort area वाली feel देगी, वही Dutch and Portuguese वाली feel जो आप कोची में लेते हो या किसी भी port area वाली country या city में लेते हो। Lighthouse के just सामने ही beach area है, that is the main Gaul beach. If you ask me, currently अभी यहाँ पे सिर्फ locals हैं who are enjoying the छुट्टी। एंड बहुत ही छोटा सा बीच है, बट यू कैन डेफिनेटली हैव अ गुड स्विम एट दिस प्लेस एंड बेसिकली खाने पीने के छोटे मोटे जॉइंट्स पर मिल जाएंगे एट गोल बीच। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस के साथ आती रहूँगी। अपना फेवरेट मोमेंट इस वीडियो का कॉमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाबा, सी यू एंड टेक केयर।